या तो आपने छापा मारा सील की गवर्नमेंट की ए, मशीनरी यूज़ की तो आप या तो उसका रिजल्ट देते दे थे कि वाकई अगर हजार रुपए की चीज़ बिक रही है और सात सौ रुपए उसका रेट था तो वो सात सौ रुपए में बिक गया ऐसा ना हो मैं खुद ये देख रहा हूँ हमारे कई बिज़नेसमैन मुल्क छोड़ के जा रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके जा रहे हैं गरीब आदमी मर रहा है आए दिन में नई रोज कहानी सुन रहा हूं कराची में भी एक वाक्य हुआ बंस रोड पे यार अभी ताजा बात है यार जॉब ना होने की वजह से लड़के ने यार छलांग मार ली तो गैरत नहीं है इनको कि ये मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया बातें करते हैं कि आवाम का आईएमएफ को भुगते भाई तुम भुगत लो आईएमएफ को तुम लोग सब अपना निकाल लो तो मुल्क जो ना खुद ही खड़ा हो जाएगा जो तुमने खाया है आवाम टाउन वन जीने की नई उमंग जहां मैं शहर की रौनक खूबसूरती और गहमा गहमी से लुत्फानदोज हो सकूं, 500 सौ मुरबा गज के कमर्शियल प्लॉट्स और 1000 हजार मुरबा गज के फार्म हाउसेज सरमाकारी के लिए बेहतरीन मवा अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये अगर आटा महंगा बिक रहा है तो पीछे से उन दुकानदारों को या उन मिल ऑनर्स को भी पीछे से महंगा आ रहा है सिर्फ हमारे दुकानदारों को या हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ना दबाया जाए पीछे से अगर इंतजामिया हाँ अगर कोई इसमें मुलविस है और जेनियन है और उसकी आप इंक्वायरी करते हैं कि वो खुद से वो महंगा बेच रहा है और उसको पीछे से चीज़ें सस्ती आ रही है तो तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और भरपूर करें ऐसा नहीं ना कि अभी आप जाके अगर छापा मार रहे हैं और छापा मारने के बाद दो घंटे बाद उसकी वही फ्लोर में लिया जो भी आटे की चक्की चल रही होती है उसी अंदाज़ में चल रही होती है तो अब अब अभी इसका मकसद हम क्या निकालें हम अवाम आवाम क्या इसका मकसद निकाले अब ये आप बता दें कि एक घंटे बाद क्या रेट और उसी रेट पर बिक रहा होता है या तो आपने छापा मारा सील की गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ की और गवर्नमेंट के अफसरान भी उसमें ज़ाहिर लगे वक्त दिया तो तो आप या तो उसका रिज़ल्ट देते कि वाकई अगर हज़ार रुपये की चीज़ बिक रही है और सात सौ रुपये उसका रेट था तो वो सात सौ रुपये में बिक गया तो यार आप लोगों को जो हम हम तो ये मुतालबा करते हैं कि बल्कि बिजनेस कम्यूनिटी जो ये मुल्क चला रही है और चलाती आई है हमने ये भी कहा कि आप बल्कि मुल्क प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर दिए जाए चीज़ें कई इदारे तो आप देख लेगा ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो रीढ़ की अड्डी तो कहलाई जाती है लेकिन कहने का मकसद है सिर्फ उनसे लिया जाता है बिज़नेस कम्युनिटी से उनको डिलीवर कुछ नहीं किया जाता यहाँ बोलते हैं कि आप टैक्स तो दे दें लेकिन आप टैक्स के मद में अब आप, आपको उसकी सर्विस नहीं मिलेगी अब क्या अगर हुकूमत कोई भी हो किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं है चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो एम के एम हो चाहे पी टी आई हो चाहे वो अदर जितनी भी जमाते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी आवाम यार चलो हम लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं सब कर जाएंगे मुझे ये बताएं आपके साढ़े सात सौ रुपये मुर्गी बिक्री है साढ़े सात सौ रुपये मुर्गी गरीब आदमी कमाता ही सात सौ रुपये चलो मान लिया मैंने यार उसकी हजार रुपये दिहाड़ी है एक दिन की एक हजार रुपये दिहाड़ी उसकी आप लगा लें सात सौ रुपये की उसके अगर सात आठ लोग घर में तो वो तो एक टाइम की हांडी कर सकता है ना वो किराए कैसे देगा बच्चों की फीसिस कैसे देगा तालीम से भी दूर अच्छा प्लस अगर सेहत सेहत पे भी हमारे यहाँ कोई फोकस नहीं किया हुआ ग्राउंड हमारे तबाह हाल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुकुमरानों को फिर भी जू नहीं रेंग रही है कानों पे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ बड़े सख्त अल्फाज में कहता हूँ कि आप सख्त फैसले करें लेकिन आवाम के लिए ना करें अपने लिए भी करें यार अपनी ज़ात के लिए भी करें हम लोग करते हैं ना अगर अब अब क्या हम लोग अपनी बातें बताएं बिजनेस कम्युनिटी तो हमेशा से डिलीवर कर रही है चाहे वो सैलाब हो चाहे वो जल्जले हों लेकिन अलहमद हमारे बिजनेस कम्युनिटी में इतनी ताकत है कि वो तुर्की उन्होंने यहाँ से सामान भेजा पाकिस्तान से और बल्कि जो तुर्की और अमेरिका या सऊदिया से जो सामान आता था उसके जहाज तो मैंने देखे रिसीव करते हुए तो देखा बटते हुए नहीं देखा बिकते हुए जरूर देखा मैंने अजाना तौर पर बड़े अच्छे अखलाकियात के दायरे में रह के रिक्वेस्ट करता हूँ हुक्मरानों से अब आप होश के नाखून ले लें ये नहीं हो कि जिन जिस मुल्क में अपने अरबों खरबों के अहसास तो आप लोगों ने बाहर बना दिए हैं वो तो सबको ही पता है वाम को खून चूस चूस के अवाम का लेकिन जो यहाँ पे भी आपके असास ऐसा नहीं हो कि जहाँ अगर ये मुल्क डिफॉल्ट करेगा या मुल्क को कुछ होगा तो आप सब भी यहाँ जो आपका है वो सब ख़त्म हो जाएगा तो आप यही सोचते हुए आपने एक प्रोटोकॉल में जो ना मतलब बीस बीस पचास पचास गाड़ियाँ उसको ख़त्म करें ना आपने बिजली के यूनिट आप कहते हैं बचाएं तो आपको फी यूनिट एक बंदे को पाँच पाँच सौ यूनिट हज़ार हज़ार यूनिट हज़ारों यूनिट आप लाखों यूनिट आप इस मत में दे रहे हैं ये जो पेट्रोल और डीजल जो गवर्नमेंट अफसरानों को और ये मिनिस्टर्स को ये शाह खर्चे आप ख़त्म कर दें मुल्क हमारा खुद ही समझ जाएगा दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर मुल्क को आपने ऊपर लेके जाना है आई सेक्टर को आई सेक्टर आप डॉलर बोलते हैं डॉलर कहाँ से आएगा यार आप अगर आप मैं आप लड़का यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन जो मैं समझाऊँ जो इस चीज़ में मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया है कि जो डॉलर आएगा ना हमारा हमारा आएगा इसी सेक्टर से इसको हमें जो ना फ़र्व देना होगा इन बच्चे बच्चियों को जिनको आईटी का काम आता है उनको हमें सपोर्ट करना होगा हमें आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाना होगा आने वाला दौर है ही आईटी का इंडिया से आप सबक सीख लें ठीक है दूसरे मुल्कों से आप सबक सीख लें यहाँ से लेकिन वो जो चीज़ बना के वो किसी अमेरिका में लंडन में कैनेडा में यू कहीं भी बेच रहा है तो वो डॉलर्स में यहाँ पेमेंट आ रही है तो आप यार इह, मैं और ये एल के मामला मुल्क ये तेरह पार्टियाँ हैं आप पास में यही लड़ते रहते कि ये वज़ीर वो बनेगा वो वज़ीर वो बनेगा वो वजीर बनेगा खुदारा इलेक्शन कराएं या ना कराएं हमारे मुल्क को सीधा कर दें पॉलिसी सीधी कर दें ऐसा ना हो मैं खुद ये देख रहा हूँ हमारे कई बिजनेसमैन मुल्क छोड़ के जा रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके जा रहे हैं गरीब आदमी मर रहा है आए दिन में नई रोज़ कहानी सुन रहा हूँ कि वो हम लोगों के पास भी एप्लीकेशन आती हैं यार वो छत से गिर गया किसी ने जॉब की वजह से कराची में भी एक वाक्य हुआ बंस रोड पे यार अभी ताज़ा बात है यार जॉब ना होने की वजह से लड़के ने यार छलांग मार ली किसकी माँ का बेटा था किसी का बाप था भाई था शोहर था तो गैरत नहीं है इनको कि ये मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया है तो ये बातें करते हैं कि अवाम जो है ना इसका आई एम एफ को भुगते भाई तुम भुगत लो आई एम एफ को तुम लोग सब अपना निकाल लो तो मुल्क जो है ना खुद ही खड़ा हो जाएगा जो तुमने खाया है आवाम का चूज के निचोड़ा है जो आवाम को बहरहाल हम यार बड़ा दर्द दर्द रखते हैं और बिजनेस कम्यूनिटी इस पर बड़ी हम बड़े तश्वीश का इजहार करते हैं और हम कहते हैं कि अभी भी वक्त है समझ जाए ऐसा ना हो कि ये मुल्क जो है ना किसी और बड़ी परेशानी में आ जाए मेरा अरमान है एक ऐसी रिहायश जहाँ उस सुकून और इतमान का राज जहाँ हरियाली फले फूले और जिंदगी अपनों के साथ हंसी खुशी गुजरे अजरकों के शहर में अपना घर बनाएं टाउन वन के साइट ऑफिस तशीफ लाँ